दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 20 के शुरुआत में शाओरेन सोंगलिन से कहता है कि मैं गेस्ट रूम में सो जाता हूँ, तुम जाकर रूम में सो जाओ। तो सोंगलिन कहती है कि ये घर तुम्हारा है तो भला तुम क्यों गेस्ट रूम में सोगे। शाओरेन कहने लगता है कि अब चूंकि मैं शिंगटियन को कंट्रोल नहीं कर सकता तो मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा, इसलिए तुम मुझे अपने आप से दूर कर रही हो। सोंगलिन कहती है कि गलती तुम्हारी, लेकिन तुम मुझे ऐसा क्यों महसूस करवा रहे हो जैसे कसूर मेरा है। ये कहकर गुस्से में सोंगलिन चली जाती है। अब कुछ देर बाद शाओरेन सोंगलिन के पास आता है और कहने लगता है कि तुम ये पजामास रूम में ही भूल गई थी। सोंगलिन इसके लिए शाओरेन को थैंक्स बोलती है और ये कहकर ये दरवाजा बंद कर लेती है। शाओरेन कहने लगता है कि मेरी बातों का वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। दूसरी तरफ यून फे यी के पास आता है। यी दरवाजा बंद करने वाली होती तो यून फे इसको रोकता है। यी कहती है कि ना तुम मुझसे कोई बात कर रहे हो और ना ही माफी मांग रहे हो, तो फिर तुम यहाँ पर करने क्या आए हो। यून फे कहता है कि क्या तुम शेव करने में मेरी मदद कर सकती हो। ये सुनकर यी हंसने लगते हुए कहती है कि क्या तुम्हें शेव करना नहीं आता। तो यून फे कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन अब मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। ये सुनकर यी कहती है कि मैं इस बार तो तुम्हें माफ करेंगी, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। ये सुनकर यून फे खुश हो जाता है। अगले सुबह सोंगलिन की जब आंख खुलती है तो ये यहाँ पर शाओरेन को देखकर हैरान हो जाती है, कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। सोंगलिन शाओरेन को कुशन से मारकर जगाती है। शाओरेन कहते हैं कि तुम मुझे मार क्यों रही हो। सोंगलिन कहते हैं कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। शाओरेन कहते हैं कि मेरा घर है तो मेरे पास हर कमरे की चाबी है। अब शाओरेन बताने लगता है कि कल रात क्या हुआ था। जैसे ही शाओरेन रात में सोंगलिन के पास आता है तो सोंगलिन शाओरेन के पास ऊपर सर रखकर सो जाती है। सोंगलिन को जब इस बारे में मालूम होता है तो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। शाओरेन कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, तुम मानना नहीं चाह रही वो अलग बात है। सोंगलिन कहती है कि मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, कहकर ये चली जाती है। असिस्टेंट अब शाओरेन को कॉल करके बताता है कि वो सिर्फ एक आम एक्सीडेंट था। ये शाओरेन से कहता है कि मैंने तुम्हें उस आर्टिकल की पिक्चर्स भेजी हैं, तुम वो देख लो। ये पिक्चर देखने के बाद शाओरेन असिस्टेंट से कहता है कि तुम इस केक की शॉप का पता लगाने की कोशिश करो। असिस्टेंट कहता है कि मुझे मालूम था कि आप यही कहेंगे, इसलिए मैं इन्वेस्टिगेशन कर चुका हूँ, ये शॉप अभी भी वहीं पर है। शाओरेन कहता है कि फिर तुम जल्द से जल्द इस शॉप से केक ऑर्डर करो। सोंगलिन ये केक देखने के बाद इमोशनल हो जाती है। सोंगलिन शाओरेन के ऑफिस आकर पूछती है कि तुमने मेरे लिए वो केक क्यों खरीदा। शाओरेन कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हें वो नोट नहीं मिलेगा। सोंगलिन कहती है कि अगर तुम मुझसे माफी मांगना चाह रहे थे तो तुमने कल रात मुझसे माफी क्यों नहीं मांगी। शाओरेन कहता है कि तुम भी तो मुझे गुस्सा दिला रही थी, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर सोंगलिन शाओरेन को गुस्सा करने वाली होती है, लेकिन शाओरेन इसको कहता है कि क्या तुमने वो केक ट्राई किया है। सोंगलिन कहती है कि वो केक मैं तुम्हारे साथ ट्राई करना चाहती हूँ। शाओरेन सोंगलिन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भाई को इस दुनिया में कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे भाई के बिहाफ पर तुम्हें प्रोटेक्ट और तुम्हारी टेक केयर करना चाहता हूँ, इसलिए जैसे तुम अपने भाई पर रिलाई किया करती थी वैसे ही तुम मुझ पर भी रिलाई कर सकती हो। ये सुनकर सोंगलिन शाओरेन को हक करती है। आज सुन पे यी को सरप्राइज करने के लिए इसके लिए फ्लावर्स लेकर आता है। यही फ्लावर्स देकर खुश हो जाती है। यही ने यूनफे के लिए कैंडल लाइट डिनर अरेंज किया होता है। ये सरप्राइज देखकर यूनफे बहुत खुश हो जाता है। यही कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ इसलिए अरेंज किया है क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ये कहकर यही यूनफे को चेयर पर बिठा देती है। यही अब यूनफे से पूछती है कि क्या तुम यही से शादी करोगे। यूनफे को जवाब नहीं देता तो ये देखकर यही अपसेट हो जाती है, कहती है कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे। यूनफे से सॉरी करता है तो यही कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तुम्हें असल में प्रपोज नहीं कर रही थी, लेकिन इस तरह से कोई जवाब ना देकर तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो। यूनफे यही से सॉरी करके यहाँ से चला जाता है। यूनफे के इस तरह से जाने की वजह से यही रोने लगती है। यूनफे को अपने बचपन का वक्त याद आ रहा होता है। यूनफे बचपन में जब अपने घर आता है तो इसके पेरेंट्स झगड़ रहे होते हैं। इसके डैड कहते हैं कि हमें अब डिवोर्स ले लेनी चाहिए। यूनफे की मॉम ने इससे बचपन में कहा था कि जब तक तुम एक अच्छे हस्बैंड नहीं बन सकते तब तक तुम शादी मत करना, क्योंकि डिवोर्स की वजह से एक लड़की का दिल टूट जाता है। यूनफे के डैड भी इसे सॉरी करते हैं कि मैंने ऐसा सोचा तो नहीं था, लेकिन अब हमारी डिवोर्स हो रही है। अपने बचपन को सोचकर ही यूनफे ट्रॉमाटाइज हो गया होता है। आज वेक सोंगलिन से कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया है तो मैं तुम्हारे भाई के कैरेक्टर को नहीं छेड़ूंगा। सोंगलिन कहती है कि मैंने बहुत ट्रस्ट करने के बाद तुम्हें अपना गेम का डेटा दिया है। वेक कहता है कि तुम्हें मिस्टर शाओ को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि अगर ये मुझे कन्विंस ना करते तो मैं अभी तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार ना होता। सोंगलिन कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। शाओरेन कहता है कि उस टाइम पर कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ था। सोंगलिन कब अपनी गेम का डेटा विक को दे देती है, लेकिन ये डेटा देने के फौरन बाद सोंगलिन बेहोश हो जाती है। वापस घर आने के बाद सोंगलिन शाओरेन को बताती है कि जब मैंने वो डेटा विक को दिया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा भाई अब मुझे वाकई में छोड़कर जा रहा है, क्योंकि एक्चुअल में सोंगलिन का भाई गेम में हिडन बॉस नहीं रहने वाला बल्कि एक नॉर्मल कैरेक्टर बन जाएगा। और इसी वजह से सोंगलिन बहुत अपसेट दिखाई दे रही होती है। सोंगलिन शाओरेन से
कहती है कि अगर तुम मेरा साथ ना देती तो शायद मैं कभी भी ये सब ना कर पाती। इसके लिए शौरन को थैंक्स बोलती है। शौरन कहता है कि क्या तुम्हारी नाक से खून बहने का ताल्लुक शिनटियन से है। सोमिन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरी बॉडी से जा चुका है। लेकिन शौरन को अभी भी फिक्र हो रही होती, इसलिए ये रिम्फे को यहाँ पर कॉल करके बुला लेता है। सोमिन कहती है कि काफी दिन हो गए मेरी यही से मुलाकात नहीं हुई, तो मैं उसको भी यहाँ पर बुला लेती हूँ। अब शौरन के घर पर यही की मुलाकात रिम्फे से होती। रिम्फे इसको रोक कर कहता है कि तुम मुझे कल के लिए माफ कर दो, लेकिन यही कहती है कि कई बार माफी मांगने से चीजें सही नहीं हो जाती। ये कहकर यही अंदर चली जाती है। अब जब ये दोनों सोमलिंग के पास आते तो सोमलिंग इन दोनों को देखने के बाद कहती है कि क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है। यही कहती है कि हमारा झगड़ा नहीं हुआ, बस हमारा ब्रेकअप हो गया है। रिम्फे कहता है कि अभी तक तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। यही कहती है कि कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैंने सोच लिया है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। आसलिन जैसे ही जॉगिंग करके वापस आता है तो शेनको इसको हग कर लेती है, कहती है कि तुमने जॉगिंग पे जाने से पहले मुझे क्यों नहीं जगाया। लेन कहता है कि मैं तुम्हारी नींद नहीं खराब करना चाहता था। शेन गुलेन को बताती है कि सोमलिंग ने गेम का डेटा विक के हवाले कर दिया है। मुझे सोमलिंग ने काफी इम्प्रेस किया, ये उसके लिए बहुत मुश्किल सीन था, लेकिन फिर भी शौरन की खातिर वो ऐसा करने के लिए तैयार हो गई है। लेन कहता है कि बिल्कुल इसी तरह हमारे लिए भी तो सब कुछ कितना मुश्किल था। शेनगो कहती है कि क्या कहीं तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा तो नहीं हो रहा। लेन कहता है कि अब चूंकि मैं तुम्हारे साथ रहने का फैसला कर चुका हूँ तो मैं कभी भी इस फैसले पर रिग्रेट नहीं करूंगा। ये सुनकर शेनगो मुस्कुराने लगती है। चेक करने के बाद यूनफे शौरन को बताता है कि सोमलिंग ने आराम नहीं किया, इसी वजह से बस इसकी बॉडी पहले से वीक हो गई है। सब ये दोनों बाहर जाते हैं तो सोमलिंग यही से पूछती है कि आखिर तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ है। यही कहती है कि कल रात मैंने इसको प्रपोज किया था लेकिन इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये बात सुनकर सोमलिंग बहुत हैरान होती है। दूसरी तरफ शौरन कह रहा होता है कि क्या तुम यही से शादी नहीं करना चाहते। यूनफे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, बस मैं इस सब के लिए तैयार नहीं था। शौरन कहते हैं कि कोई भी लड़की ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका बॉयफ्रेंड प्रपोजल वाली बात की वजह से भाग जाए। यूनफे कहते हैं कि क्या तुम्हें भी शादी करने का फैसला डराता है। शौरन कहता है कि हर किसी के लिए मुख्तलिफ होता है। अगर मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं इस लड़की की सारी जिंदगी टेक केयर करूंगा तो मुझे लगता है कि शादी करना सिर्फ एक प्रोसीजर है, और दूसरा ये कि शादी के जरिए ही हम अपनी गर्लफ्रेंड को सिक्योर फील करवा सकते हैं। यूनफे कहते हैं लेकिन अगर शादी के बाद सब कुछ चेंज हो गया तो। शौरन कहता है कि वक्त के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं, तुम्हें अभी इस बारे में सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। अभी तुम्हें ये सोचने की जरूरत है कि तुम यही के लिए क्या महसूस करते हो। यही जब वापस आ रही होती है तो यूनफे यही से कहता है कि तुम एक बार मेरी बात सुन लो। यही कहती है कि तुम मुझे ये एक्सप्लेन करना चाहते हो कि तुम मुझसे कभी शादी करना ही नहीं चाहते थे। यूनफे कहता है कि बात ऐसी नहीं है। यही कहती है कि सब इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो हमारा ब्रेकअप कर लेना ही बेहतर है। यूनफे कहता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता। यही कहती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रही हूँ। ये कहकर यही यहाँ से चली जाती है। रात में यूनफे यही से बात करने के लिए घर पर आता है, लेकिन यही इसको कहती है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनने के बाद यूनफे यहाँ से जाने लगता है तो यही इसको कहती है कि जाने से पहले मुझे मेरे घर की चाबियाँ दे दो। यूनफे जैसे इसको चाबियाँ देता है तो ये इससे कुछ कहना चाह रहा होता है, लेकिन यही यूनफे को अपने घर से निकाल देती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 20 खत्म हो जाती है।